और निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत बैकुंठ धाम मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगभग 500 स्क्वायर फीट की जमीन पर तार का घेरा लगाकर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे निगम के तोड़ू दस्ते ने शिकायत मिलने पर ध्वस्त कर उसे कब्जा मुक्त कराया। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत बैकुंठ धाम मंदिर के समीप पानी की टंकी के पास पूर्व दिशा में निगम की खाली जमीन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया था। लगभग 500 स्क्वायर फीट की जमीन पर अवैध कब्जे की नियत से पोल एवं तार से जगह को घेर दिया गया था तथा बीच में चबूतरा का निर्माण किया जा रहा था। निगम के अधिकारियों को जैसे ही इसकी खबर लगी वह मौके पर पहुंचे और फेंसिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया। यह जमीन मदर टेरेसा नगर आवासीय योजना की भूमि है, जिस पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण की तैयारी की जा रही थी। इसके आसपास सैकड़ों एकड़ जमीन खाली है। निगम इसे सुरक्षित रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। भू माफियाओं से भूखंड को बचाने समय समय पर निगम भिलाई द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। देखिए, बैकुंठ धाम के समीप जो है निगम की बहुत सारे भूखंड है और मुझे लगता है लगभग 100 एकड़ के आसपास की जो भूखंड है वो निगम के वहाँ पे स्थित है। और इसके अलावा जो एक शख्स है, जो अज्ञात शख्स है, वहाँ सामने तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है लगभग 2500 स्क्वायर फीट में जगह घेर करके उसको पोल तार से घेर करके और उसमें चबूतरा का निर्माण उन्होंने अवैध रूप से कर रहे थे। जैसी सूचना निगम प्रशासन को मिली और जब टीम जो मौके पर जाके जेसीबी के माध्यम से पोल तार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की, इसके साथ ही जो चबूतरा निर्माण था उसको भी तोड़ दिया गया है और अज्ञात शख्स की पहचान की जा रही है कौन है, उसके मुताबिक उन पर भी यदि लगता है तो कार्रवाई की। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अवैध प्लॉटिंग, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा तथा अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दे रखे हैं। इसी तारतम्य में कार्रवाई की जा रही है। इधर नालियों से अतिक्रमण हटाकर भी नाली सफाई का अभियान लगातार जारी है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।